हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु और स्वागत है आपका मेरे चैनल के अनुरूष में। सो आप सभी की हैवी डिमांड पर पेश आपकी फेवरेट सबकी यमियस्ट चीजीएस्ट रेसिपी मोमोज पिज्ज़ा। सो जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आपका मोमोज खाने का मन है और पिज्ज़ा भी खाने का मन है तो आप ये रेसिपी बनाइए, आपकी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी यमी है कि आपको पिज़्ज़ा का भी फ्लेवर देता है और मोमोज तो इसमें है ही। सो पिज़्ज़ा मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अपना पिज़्ज़ा बेस, जिसे हम खुद घर पर तैयार करेंगे। जिसके लिए आपको चाहिए पहले एक बाउल मैदा। इसको आप एक किसी बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए जिसमें हम अपने सभी बेस को गूँथेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, देन एक टेबलस्पून शुगर। आप पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, देन 2 टेबलस्पून कर्ड। अब इन सभी को इसमें अच्छे से मिक्स करके हाथों से आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा फाइन डो बनाना है। ध्यान रखिए, आप इसे जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते जाएंगे, हाथों से कूदते जाएंगे, ये उतना ही अच्छा परफेक्ट बेस देगा हमें। सो डो बनकर तैयार है, इसे रेस्ट देंगे हम 10 मिनट का। सो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, जो है हमारा मोमोज। ये हमारे पिज़्ज़ा मोमोज का अगला मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना तो रेसिपी हमारी बन ही नहीं सकती है। मैंने मोमोज पहले से ही रेडी करके रखे थे। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मैंने वो भी एक इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। हम मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के मोमोज बनाए हैं जिससे हमारे पिज़्ज़ा अच्छे लगें। पहले हम मोमोज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में रिफाइंड ऑयल अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने सभी मोमोज को प्लेस करेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहे तो पहले मोमोज को हल्का स्टीम देकर भी फिर फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी फ्राइड मोमोज बनाती हूँ तो मैं उसे डायरेक्ट फ्राई करती हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बना रहता है ज़्यादा देर तक। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अब हम इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई करेंगे ताकि हमारा मैदा अंदर से भी पक जाए, क्योंकि मैंने इसे स्टीम नहीं दिया है। सो अब इसे थोड़ा सा आप पलट कर अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लें। हम इसे फ्राई करके दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट पे आप टिश्यू पेपर ज़रूर बिछा लें ताकि ये एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर लें। सो बनकर तैयार है हमारे फ्राइड मोमोज। सो अब हम अपने पिज़्ज़ा बेस का डो ले लेंगे जिसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। देख सकते हैं अब हमारा पिज़्ज़ा बेस का डो एकदम अच्छे से रेडी है। ये थोड़ा और फूल गया है, हमें ऐसा ही डो चाहिए हमारे पिज़्ज़ा बेस के लिए। सो आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए ताकि इसका ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाए। अब हम इसे थोड़ा सा गूंथ कर इसकी लोइयां बनाएंगे और दोनों साइड से मैदा डस्ट करेंगे। ध्यान रखें आप ऊपर नीचे दोनों तरफ अच्छे से मैदा स्प्रिंकल कर लें, जिससे जब हम इसको अच्छे से फैलाएं या फिर बेलें तो ये नीचे सरफेस पे चिपके नहीं। आप इसे हाथों से डैप करके अच्छे से फैलाते जाएं। अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। आपको इसे हल्का मोटा ही बेलना है। अब हम इस पर अपने मोमोज प्लेस करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं प्लेस कर रही हूँ वैसे आप भी ज़रूर इसे अच्छे से रखिएगा ताकि हमारा पिज़्ज़ा बेस एकदम परफेक्ट इसको पकड़े रहे। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक मोमोज कॉर्नर पे रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर दोनों तरफ के लेयर्स को मोमोज के सामने ऐसे चिपकाते जाना है ताकि ये खुले ना। बस आपको इसे थोड़ा सा सपोर्ट देना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है वरना हमारा पिज़्ज़ा ख़राब लगेगा। तो हल्का हल्का पानी लगाकर आप चारों कॉर्नर पे ऐसे मोमोज स्टिक कर दें। मोमोज जब आपके अच्छे से ऐसे पिज़्ज़ा बेस पर चिपक जाएं तो अब हम इस पर ऐड करेंगे मेयोनीज़। वैसे मैं पिज़्ज़ा बेस पे मेयोनीज़ जल्दी ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन हमारा आज है स्पेशल मोमोज पिज़्ज़ा तो मेयोनीज़ तो बनती है। मेयोनीज़ को आप अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। अब हम इस पर सॉसेज ऐड करेंगे। सबसे पहले टोमेटो केचप, आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, पर टोमेटो केचप एंड चिली केचप दोनों को मिक्स करने से ये उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। आप अगर आपने कभी ये यूज़ नहीं किया है तो इस तरीके से आप एक बार इसे लगाकर ज़रूर देखें। आपको अलग से पिज़्ज़ा सॉस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इस पर अपनी वेजीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में थोड़े से कैप्सिकम और अनियन कट कर लिए हैं। इसे अच्छे से मैं चारों तरफ स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं।
वेजिटेबल्स को रखने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे, जिससे जो हमने वेजीज डाली हैं उसमें थोड़ा। अब आपको इसमें चीज़ ऐड करनी है, वो भी ढेर सारी। मैंने यहाँ पे ब्रिक वाली मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे। आप पिज्ज़ा सीजनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का, आपको चीज़ इसमें ढेर सारी डालनी है ताकि एक अच्छा सा इसका चीज़ फूल आए और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अब हम इसको करेंगे बेक माइक्रोवेव। अगर आपके पास अवन है तो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। अब हम इसको प्लेस करेंगे अपने ग्रिलिंग स्टैंड पर और रखेंगे माइक्रोवेव में। अब आपको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे इसे ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया है, अब हम इसे बेक करेंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। आपको टाइम का ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी बेक नहीं करना है। जैसे ही हमारे पिज्ज़ा बन के तैयार हो जाएंगे हम इसे बाहर निकालेंगे। बनकर तैयार है हमारे मोमोज पिज्ज़ा, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखें ग्रिल को डायरेक्ट ना पकड़े, किसी क्लॉथ की हेल्प से इसे ज़रूर उठाएं। बनकर तैयार है हमारे चीज़ी मोमोज पिज़्ज़ा। अब हम इसे कटर के मदद से साइड से कट कर लेंगे। आपको इसे नॉर्मल पिज़्ज़ा की तरह ही कट करना है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं ऐड करना है। जस्ट कट इट नॉर्मली एंड एंजॉय। जस्ट लुक एट द ब्यूटी, ये जितना देखने में सुंदर है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है और मोमोज भी खाने का मन है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ऑफकोर्स चिल्ड्रंस को तो पसंद आएगी आएगी। इस तरीके से और भी ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। आप इस तरीके से मोमोज को अलग करके भी खा सकते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ, मोमोज को अलग करके मैं ऐसे मोमोज चटनी के साथ खाती हूँ। आपका मन, आप इसे जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, एंजॉय। आपको अगली रेसिपी किस टॉपिक पे चाहिए या फिर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर बनाऊंगी। दैट्स इट फॉर द डे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें बिना भूलें, ताकि आपको ऐसी रेसिपीज़ और मिलती रहे। एंड टेक केयर, बाय बाय।